बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? हटना नहीं, समझना है। ओके, अपलोड सोन रिक्वेस्ट 12। मेरे ही शहर, मेरे ही अपने मामू के बेटे बताया आपको यासिर नदीम, उनकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। मैट्रिक की मैथमेटिक्स सिंटेक्स बुक बोर्ड, इसका चैप्टर नंबर 3 लॉगरिदम वाला और 3.1 एक्सरसाइज जो है इसकी हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ठीक है भाई, ये हमारे पास लॉगरिदम। अब मैं इसका नाम लिख दूं यहां पर, लॉगरिदम यूनिट नंबर 3 और इसकी एक्सरसाइज। ये लेक्चर हमारा 2 है अब लॉगरिदम के ऊपर, और ये कौन सी है, एक्सरसाइज 3.1, जिसका मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। जिन्होंने लॉगरिदम का लेक्चर 1 नहीं देखा वो पहले लाजमी देख लीजिए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, पहले ही बता चुका हूँ, हम इसमें कन्वर्जन करेंगे इसकी ऑर्डिनरी नंबर्स की साइंटिफिक नोटेशन में, और साइंटिफिक नोटेशंस की ऑर्डिनरी नंबर्स में हम कन्वर्जन करेंगे इसके अंदर पूरी। तो मैं आपको बता दूं पहले सबसे अहम बात, ये कन्वर्जन करने से पहले, मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ ये 12 लिखा हुआ है, इसमें कोई साइन शाइन है क्या, बच्चे भी बता देंगे सर प्लस का साइन है, कहाँ है, इस जगह पर, इस जगह पर, नहीं सर इस जगह पर, अंडरस्टूड है भाई। सिर्फ ये ही नहीं है, और बताऊँ, ये 2000 है, क्या प्लस का साइन है, बिल्कुल है सर, और कुछ है, नहीं सर प्लस का साइन छुपा हुआ होता है, वो आपने जाहिर कर दिया, ज़रूरत नहीं है आपसे, मिस्टेक हो गई, आप इसको मिटा दीजिए। ठीक है भाई, मैं इसको मिटा दूंगा, लेकिन अभी ज़रा देखिए यहाँ पर कुछ और भी छुपा हुआ है, यहाँ एक पॉइंट भी है बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ जी, हर नंबर के साथ, याद रख लीजिए हर नंबर के साथ बिल्कुल राइट हैंड साइड पर आखिर में एक पॉइंट भी होता है जिसको छुपा हुआ, जो छुपा हुआ होता है, इस तरह प्लस छुपा हुआ होता है ना, इस तरह ये पॉइंट भी छुपा होता है। इसके साथ 2 जीरो होते हैं, वो भी छुपे हुए होते हैं। इन पूरे नंबर्स के नीचे अपॉन या डिवाइड का साइन होता है, वो भी छुपा हुआ होता है। उसके नीचे 1 होता है, वो भी छुपा हुआ होता है। 1 से पहले प्लस होता है, वो भी छुपा होता है। सर इतनी सारी चीज़ें हर नंबर के साथ होती हैं जी, हर हर नंबर के साथ इतनी सारी ही चीज़ें होती हैं, लेकिन ये डिवाइड के साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, इस प्लस वाले साइन से भी कोई मतलब नहीं है, इस प्लस वाले साइन से भी कोई मतलब नहीं है, इस 1 से भी कोई मतलब नहीं है। हमें जो कन्वर्जन करनी है ऑर्डिनरी नंबर की साइंटिफिक नोटेशन में, हमें गर्ज है सिर्फ इस एक पॉइंट से जी, ये एक पॉइंट की हरकत जो है इस ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, याद रहे ऑर्डिनरी नंबर्स क्या हैं, वो नंबर्स जिन पे कोई पावर नहीं लगी हुई वो ऑर्डिनरी नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि मैं इसको दोबारा पुरानी शक्ल में लेके आऊँ, तो ये 2 जीरो में मिटा देता हूँ और ये पॉइंट भी मैं मिटा देता हूँ, 2000 बन गया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि ये कौन सा नंबर है, साइंटिफिक नोटेशन है या ऑर्डिनरी नंबर है? आप कहेंगे सर ऑर्डिनरी नंबर है। ओके फाइन, करना क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए अब क्या करना है, आपने ये जो पॉइंट है इसको उठा के यहाँ ले आए, चाहे तो इस पॉइंट को उठा के आप यहाँ ले आए, चाहे तो इस पॉइंट को उठा के आप यहाँ ले आए जी, ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं लेके आएँ। नॉर्मली स्टैंडर्ड वे में यही होता है कि आखिर के जो 2 नंबर्स होते हैं उनके दरमियान उस पॉइंट को लेके आते हैं। क्यों ला रहे हैं सर इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ, क्योंकि हम ऑर्डिनरी नंबर से साइंटिफिक नोटेशन में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो 1 by 1 करके देखते हैं। पहले मैं इस पॉइंट को इस 1 0 के आगे ले जाके देखता हूँ क्या बनता है। जी, जब भी आपका पॉइंट मूव करेगा, याद रखें, जब भी आप उसको राइट साइड पे लेके जाते हैं, लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं, जब भी पॉइंट को मूव कराएंगे तो क्या होगा, 3 काम होंगे। एक तो ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, दूसरा काम ये होगा कि ये 10 आ जाएगा, तीसरा काम ये होगा कि उसके ऊपर पावर आ जाएगी। ठीक है, कितनी पावर आएगी, जितने नंबर आपने इस पॉइंट को मूव करवाया होगा। जैसे मैं अभी सिर्फ इसको, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके आया हूँ, ये 1 0 क्रॉस हुआ है, 0 की जगह कोई और नंबर भी होता तो कोई मसला नहीं है, बस यहाँ कोई नंबर हो जिसको इस पॉइंट ने क्रॉस किया है। तो यहाँ से ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आ गया, इसीलिए इसके ऊपर
वन की पावर आ गई। आप चाहें तो वन की पावर ना लिखें, अंडरस्टूड है कि 10 के ऊपर वन की पावर है और वन की पावर प्लस की है, ये भी याद रहे। समझ में आ गई बात आपको, नोट करते रहिए। ये केस वन हो गया। अब बड़े बच्चे तो देख रहे होंगे, वो बोल रहे होंगे सर क्या बच्चों वाली चीज़ें करवा रहे हैं, छोड़ दें भाई, आप छोड़ दें, ये तो मैट्रिक के बच्चों की है और ये ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे हैं इनकी बेसिक्स बहुत वीक हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करें, पॉइंट को मैं थोड़ा सा और ले जाऊँ, यहाँ पर इसके दरमियान ले जाऊँ अगले वाले ज़ीरो के दरमियान, तो ये हो जाएगा 20.00। अब क्या होगा, ये पहले जो लिखा हुआ है आपके पास 10^+1, ये इसमें एक और का इजाफा हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा और क्लियर करके लिखूं, 2 के बजाय ये हो जाएगा 1+1=2। समझ में आ रही है बात। तो 1+1 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दो डिजिट क्रॉस हो चुके हैं, इसलिए आप 2 लिख दीजिए। फिर तीसरे केस में हम एक और देखते हैं। अब इस पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ लेके आऊँगा, तो ये हो जाएगा 2.000×10^3। थोड़ा सा आप गौर करें, एक पॉइंट को एक डिजिट मूव कराया था तो मल्टीप्लाई का साइन आ गया, 10 आ गया और पावर आ गई, तो ये कौन सा नंबर बन गया था भाई? इसी को तो हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। याद आया कुछ साइंटिफिक नोटेशन? इसी को तो कहते हैं हम, इस किस्म की शक्ल को ही तो हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, जिसमें शुरू में एक नंबर होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, आगे 10 लिखा होता है, उसके ऊपर कुछ पावर होती है। तो ये दूसरा नंबर अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन ही है, और ये क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन ही है। तो सर कौन सी साइंटिफिक नोटेशन को रखें? अब तो तीन तीन साइंटिफिक नोटेशन आ गई। नॉर्मली हम दो नंबर्स के दरमियान पॉइंट को रखते हैं, तो ये 2 और ये 0 के दरमियान ये पॉइंट आ गया, दैट्स इट। समझ आ गई बात? कुछ कुछ आ गई सर, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज पढ़िए, परेशान होने की क्या ज़रूरत है, इतनी सारी पढ़ी है, अभी आपको करवाते हैं यहाँ पर सारी की सारी। ये मिटा दूँ, नोट्स में डाल दें आप इसको। तो एक बात तो अभी आपको इतनी तो समझ में आ गई होगी कि पॉइंट के मूव कराने से क्या सीखा आपने, कि पॉइंट भी होता है हर नंबर के साथ। दूसरी चीज़ आपने क्या सीखी, कि पॉइंट को मूव करवाने से ऑर्डिनरी नंबर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो सकता है, ये बात आपने सीखी। अब ज़रा इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। SN लगा दिया भाई मैंने, समझ जाइएगा साइंटिफिक नोटेशन। नंबर वन में आपके पास क्या है, नंबर वन में आपके पास है 68.75। इसके सॉल्यूशन को देखिए ज़रा, पॉइंट कहाँ है, ये रहा। इस पॉइंट को उठा के यहाँ ले आइए भाई, दो नंबर्स के दरमियान रखना है ना, एक नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6.875, क्योंकि एक डिजिट क्रॉस किया है इसने, सिर्फ 8 को क्रॉस करके यहाँ पर ये आया है, तो इसलिए (10^1)। समझ में आ रही है बात आपको? अब 1 जो है अंडरस्टूड है, जिस तरह प्लस अंडरस्टूड था, तो 1 चाहे तो ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं इसी का, 5373.458 सॉल्यूशन की तरफ। पॉइंट कहाँ है, ये रहा, कहाँ लेके आना है, इसको उठा के यहाँ लेके आना है, जूम करके देख लीजिएगा, 5 और 3 के दरमियान, तो ले आते हैं ये 5.373458 हो जाएगा। अब कितने नंबर क्रॉस किए हैं इस पॉइंट ने, 1 ये 3 किया, फिर ये 7 किया, फिर ये 3 किया, 3 नंबर्स क्रॉस किए हैं, इसलिए ये हो जाएगा (10^3)। ठीक हो गया।
उसके बाद आगे चलते हैं थर्ड पे। थर्ड पे हमारे पास है 756837, 756837, 756837। इसके सॉल्यूशन की तरफ चलें। अब मुझे वीडियो रोकनी पड़ेगी यहीं पर क्योंकि इंक खत्म हो गई है, सही तरह आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करके फिर हम इसका जो है वो लेक्चर 2 का इसको पार्ट 1 करते हैं अभी फिलहाल, ताकि मैं इंक डाल के फिर अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर तो पॉइंट है ही नहीं, 756837 याद आया, पॉइंट एक्सट्रीम राइट साइड पे होता है, ये रहा भाई छुपा हुआ है। क्या करना है, इसको उठा के अब यहाँ 7 और 5 के दरमियान ले आइए, तो ये हो जाएगा 7.5 6837 into 10^2। कितनी पावर लगेगी अब, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स क्रॉस करके ये पॉइंट ने यहाँ लैंड किया है, तो ये 5 की पावर आपकी आ गई और ये आपका जो है वो क्या बन गया, ऑर्डिनरी नंबर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट आपका हो गया। ठीक है भाई, ये लेक्चर 2 का पार्ट 1 हो गया, एक्सरसाइज 3.1। इंशाल्लाह अगले क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अगेन नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।